गाइस, मैं अपने विनीत सोनी व्लॉग्स चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ। इस वीडियो के साथ मैं जा रहा हूँ आज बड़े मंदिर गुरुजी के आश्रम, और ये मेरी पहली वीडियो होगी गुरुजी के आश्रम की। गुरुजी की वीडियो के साथ मैं अपने इस नए चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ। गाइस, मैं निकला हूँ द्वारका से, और द्वारका से करीब करीब मैंने GPS लगाया है, मतलब डायरेक्ट है 40 किलोमीटर का मेरे घर से, और करीब 1.5 घंटे की ड्राइव रहने वाली है। मैं जा रहा हूँ गुड़गांव फरीदाबाद वाले रोड से, क्योंकि ये रास्ता खाली है। अदरवाइज़ जो मेन रूट है उस पर बहुत रेड लाइट्स और रश काफ़ी है, तो ये एयरपोर्ट वाले रास्ते से जा रहे हैं हम लोग। जो पहाड़ी वाला रास्ता है गुड़गांव फरीदाबाद लिंक रोड जो है उससे निकलेंगे। और मेरे इस साइड में देखो आप एयरपोर्ट, ये है IGA एयरपोर्ट। अभी रास्ते में मैं आपको अच्छे बुरे सभी तरीके के रास्ते दिखाऊंगा दिल्ली के, और मेरी इस चैनल पर जो भी वीडियोस होंगी उनमें आपको मेरी डेली लाइफ और डेली लाइफ इन सब का बहुत अच्छा आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, और कई सारे शेड्स देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए गाइस मेरे चैनल पर, और नया चैनल है, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। गुरुजी का आश्रम बड़े मंदिर के नाम से भी फेमस है, और दोस्तों आश्रम लोकेटेड है मेहरोली में भाटी माइंस के पास। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्शन लिंक और आश्रम की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक शेयर कर दूँगा, आप चेक कर लेना। मंदिर की टाइमिंग बहुत ही लिमिटेड है, मंडे को मंदिर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खुलता है, जबकि थर्सडे टू संडे मंदिर शाम को 5 बजे से रात 9:30 बजे तक ही खुलता है, और मंगलवार बुधवार मंदिर बंद रहता है। और गाइस, दिल्ली में कहीं निकले और ट्रैफिक ना मिले, ये तो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसी बात है। आज एक तो वीक का फर्स्ट डे है मंडे, और स्कूल की छुट्टी का टाइम हो रखा है, इसलिए ट्रैफिक कुछ ज़्यादा है इस टाइम। तो गाइस, अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं गुड़गांव की फेमस लोकेशन साइबर हब को। मेरे लेफ्ट साइड में है साइबर हब, ये आगे फेमस DLF बिल्डिंग, और मेरे राइट साइड में है उद्योग विहार। साइबर हब वो जगह है जहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज के बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, और ये एक आइकॉनिक जगह है जो कि काफ़ी फेमस है गुड़गांव के अंदर। अब हम लोग पहुँच गए इफ्को चौक पर, और हम ले रहे हैं लेफ्ट टर्न MG रोड के लिए। अगर आप चाहें तो बड़े मंदिर मेट्रो से भी जा सकते हैं। आश्रम का नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है छतरपुर मेट्रो स्टेशन, और वहां से आपको सवारी ऑटो या ग्रामीण सेवा इजीली मिल जाते हैं। ये हम मुड़ गए हैं फरीदाबाद गुड़गांव के ऊपर। ये रोड है जो फरीदाबाद को गुड़गांव से कनेक्ट करती है, बहुत अच्छी रोड है ये। आगे जाकर इस पर पहाड़ी एरिया है, जंगल है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग सिर्फ रील बनाने के लिए भी आते हैं। गाइस, गुरुजी के आश्रम में किसी भी तरह की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, इसलिए मंदिर के अंदर की वीडियोस तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन जो भी पॉसिबल हो सकेगा मैं ज़रूर अपने इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। Thank you.
सारा पहाड़ी वाला रास्ता है जो गुड़गांव फरीदाबाद स्ट्रेच पर है। काफ़ी लंबा स्ट्रेच है लेकिन खूबसूरत बहुत है, और अगर साथ में मौसम अगर अच्छा हो इस तरीके का तो ये रास्ता और भी खूबसूरत हो जाता है। सड़कें खाली हैं यहाँ पर, लेकिन गाइस इस बात का ध्यान रखना इस स्ट्रेच पर, इस खाली रास्ते पर भी स्पीड लिमिट है 60 की। जगह जगह कैमरास तो लगे ही हुए हैं, कभी कभी बीच में इंटरसेप्टर गाड़ी भी खड़ी होती है पुलिस वालों की स्पीड चेकिंग के लिए। तो कोशिश करें कि लिमिट में ही रहें, लिमिट में रहकर गाड़ी चलाएं, कोई एक्स्ट्रा स्पीड बढ़ाकर एक्स्ट्रा टेंशन लेने की कोशिश ना करें। गाइस मेरे पीछे जितना भी ये लैंड है सारा पार्किंग एरिया बनाया हुआ है। एक्चुअली ये फार्म हाउस है और ये बिल्कुल गुरुजी के आश्रम के सामने वाला फार्म हाउस है। जो रोड गुरुजी के आश्रम जा रही है ये उसके सामने वाला फार्म हाउस है जहाँ पर पार्किंग एरिया इन्होंने कवर्ड किया हुआ है। अब बाहर से हमें शटल मिलेगी गुरुजी के आश्रम तक के लिए। पहले शटल अंदर से चलती थी क्योंकि कंडीशन ज़्यादा ख़राब है बारिश की वजह से, गाड़ियाँ भी फंस रही हैं यहाँ पर, तो शटल सर्विस मेन रोड से अभी आज के लिए चल रही है। अब बाहर जाते हैं, देखते हैं हमें शटल मिलती है। मीन्स वाइफ और बच्चे तो चले गए हैं शटल से, मैं गाड़ी पार्क करने के लिए आया था इधर, अब मैं बाहर जाकर देखता हूँ। मेन एंट्री गुरुजी के आश्रम की, मुझे शटल मिल गई थी, शटल ने मुझे इस एरिया में छोड़ा, यहीं पे ड्रॉप करती है शटल, और यहाँ से आगे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है तो आगे की फुटेज मैं नहीं दिखा पाऊँगा। ये मेन एरिया है जहाँ पर यहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं, यहाँ सेवादारों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, मेन पार्किंग है, और वो जो कैंप है मेरे पीछे वहाँ से मेन एंट्री है। दोस्तों मंदिर में आपको किसी भी प्रकार की पूजा सामग्री नहीं ले जानी है, मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण करें, और आपसे अनुरोध है कि मंदिर में जब भी जाएं वहां की शांति बनाए रखें, कैमरे का इस्तेमाल ना करें, ध्यान लगाकर सच्चे मन से गुरुजी से जो भी मांगोगे ज़रूर मिलेगा। जय गुरुजी। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग गुरुजी के आश्रम का, जहाँ कोशिश की मैंने कि आपको बता सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी के आश्रम के रास्ते के बारे में, यहाँ के प्रोसीजर के बारे में, क्योंकि अंदर गुरुजी के आश्रम के अंदर एंट्री के बाद फ़ोन अलाउड नहीं है, कोई भी फ़ोटो खींचना या वीडियो बनाना, इसलिए मेन मेन मोटी मोटी जो बातें थी मैंने डिस्कस कर दी अपने इस व्लॉग में। मिलता हूँ बहुत जल्द एक दूसरे व्लॉग में। सी यू।